हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्पंदन एकेडमी, क्लास 8th, सब्जेक्ट साइंस. वी आर रीडिंग चैप्टर 11, फोर्स एंड प्रेशर, पार्ट 2. एक्टिविटी 11.3. रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए. अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए, जैसे कि हम डायग्राम 11.6 में देख रहे हैं. क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए. क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए. जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को हटा लीजिए. क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा? यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस. फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल टेकिंग अ पेनाल्टी किक इन फुटबॉल, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल. बिफोर बीइंग हिट, द बॉल वॉज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वॉज जीरो. The applied force makes the ball move towards the goal. Suppose the goalkeeper dives or jumps up to save the goal. While his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है. किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी. लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की. मान लीजिए गोलकीपर गोल को बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है. इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयास करता है. उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है. यदि गोलकीपर गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है. दीज ऑब्जर्वेशंस सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड. इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it results in a decrease in the speed of the object. ये प्रेक्षण हमें समझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है. यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है. यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है. I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेलकर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है, जिसे हम डायग्राम 11.7 में भी देख रहे हैं. अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है. पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेट अस फाइंड. पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है. आइए ज्ञात करें. एक्टिविटी 11.4. एक गेंद लीजिए तथा इसे क्रियाकलाप 11.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए. गेंद को धक्का देकर चलाइए. अब डायग्राम 11.8 में दर्शाए गए अनुसार इसके रास्ते में अपने ज्यामिति बॉक्स से लेकर एक पैमाना रखिए. ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे. क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है? इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए.
प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बराबर में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल्स। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. Is there any change in the direction of motion of the ball in these cases? In all these examples, the speed and the direction of the moving ball change due to the application of a force. Can you give a few more examples of this kind? अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ is described as a change in its state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। स्टेट ऑफ मोशन मीन्स गति की अवस्था। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of the object? Let us find out. क्या इसका यह अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? आइए पता करें। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। जैसे एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति ना करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। 11.5 फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? What happens to the shape of a ball of duff when it is rolled to make a chapati? What happens when you press a rubber ball placed on a table? In all these examples, you saw that the application of force on an object may change its shape.
जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है? जब गूंथे आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। Having performed all the above activities, you would have realized that a force. उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि बल may make an object move from rest, may change the speed of an object if it is moving, may change the direction of motion of an object, may bring about a change in the shape of an object, may cause some or all of these effects. किसी वस्तु को भ्रम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force. Thus, an object cannot move by itself. It cannot change speed by itself. It cannot change direction by itself. And its shape cannot change by itself. यह याद रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। 11.6 कॉन्टैक्ट फोर्सेस संपर्क बल। मस्क्यूलर फोर्स मीन्स पेशीय बल। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। द कॉन्टैक्ट मे ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? This force is caused by the action of muscles in our body. The force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force. क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की हेल्प से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के वस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। इट इज द मस्क्यूलर फोर्स दैट इनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ अवर बॉडी। इन क्लास 7th यू हैव लर्नड दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड गेट्स पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। कुड इट बी अ मस्क्यूलर फोर्स दैट डज इट? You also know that the lungs expand and contract while we inhale and exhale air during breathing. Where are these muscles located which make breathing possible? Can you list a few more examples of the force exerted by the muscles in our body? पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है? आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते हैं तथा बाहर निकालते समय
फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन क्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियां कहाँ स्थित हैं? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के क्या कुछ और कारण या उदाहरण आप बतला सकते हैं? एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्क्यूलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। एनिमल्स लाइक ब्लॉक्स, हॉर्सेस, डंकीज एंड कैमल्स आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज मस्क्यूलर फोर्स। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए भी पेशीय बल का उपयोग करते हैं, जिसे हम डायग्राम 11.9 में भी देख सकते हैं। सिंस मस्क्यूलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? लेट अस फाइंड आउट। क्योंकि पेशी बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आइए पता करें। फ्रिक्शन मीन्स घर्षण। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप। अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. Can you add some more such experiences? अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने के बाद कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? इन ऑल दीज सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। वॉट कॉजेज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन? कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम? कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये भ्रम अवस्था में आ जाती हैं। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दशा में लग रहा होगा? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ वॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। Similarly, friction between water and the boat brings it to a stop once you stop rowing.